8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम और पार्टियों में सीट एडजस्टमेंट के मामला तय पाने का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून और इस्तकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला तय पा गया है। जराए के मुताबिक IPP ने मुस्लिम लीग नून से कौमी असम्बली की 13 और सूबाई असम्बली की 22 सीटों का मुतालबा किया था, लेकिन IPP को कौमी की 7 और सूबाई असम्बली की 11 सीटें दिए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इस्तकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा जहांगीर तरीन को लोधरा के बजाय NA 149 मुल्तान से एडजस्ट किया जाएगा, जबकि अलीम खान को NA 117 और ओन चौधरी को NA 128 लाहौर में एडजस्ट किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि नुमान नगरियाल को साहिवाल, इंजीनियर गुल असगर को कुशाब, आमिर कियानी को इस्लामाबाद और गुलाम सरवर खान को पिंडी से एडजस्ट किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि IPP की फिरदौस आशिक अमान, हुमायूं अख्तर, राना नज़ीर, फैसलाबाद से फरख हबीब और साहिवाल से नुरेज शकूर को एडजस्ट नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि पार्टी ने अभी तक टिकटों का हतमी ऐलान नहीं किया, लेकिन 12 जनवरी तक उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के पास टिकटों से मुतालिक बहुत ज्यादा दरख्वास्तें आई हैं, जिन साथियों ने अदम एतमाद के वोट के मौके पर और फिर 16 माह हमारा साथ दिया, इनको एडजस्ट करेंगे और ना किया तो हम पर तनकीद होगी कि नून लीग तकब्बुर का मुजाहरा कर रही है।